सो आफ्टर कंप्लीटिंग यहाँ यहाँ देखना है, तुम लोगों के लिए लाइव लेक्चर है एंड द लेक्चर इज कम्प्लीटली ऑफलाइन, सो यू डोंट हैव टू सी देयर। कभी कभी चेक करते रहो कि बराबर सब है कि नहीं, कुछ रुक तो नहीं गया है। तो हमने कंप्लीट किया पहले एक्सरसाइज 8.1, जिन लोगों ने नहीं देखा एक्सरसाइज 8.1 वो देख लेना। वैसे एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ वो ओसा छोटा को छोड़ के। अगर आपको वो ओसा छोटा याद है तो वहाँ से पता चलता है कि साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, कॉस क्या होता है एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड, एंड टैन बस। तो यही बात उस फर्स्ट एक्सरसाइज से याद रखना है और कुछ भी नया चीज याद नहीं रखना है, बराबर। बाकी कोई भी रिलेशन नहीं है फर्स्ट वाले में और सेकेंड एक्सरसाइज में, कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं आता तो सेकेंड एक्सरसाइज नहीं आएगा, वो आराम से आएगा अगर बराबर सुनोगे। अगर तुमने नहीं देखा है वैसे देख लेना चाहिए था, क्योंकि ये सब होके भी 4 दिन हो गए, बराबर। एंड आफ्टर 4 डेज और 5 डेज वी आर टेकिंग लेक्चर, तो इतने दिनों में आपको कंप्लीट करके सब रेडी रखना चाहिए था। एनी वेज इफ इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड देन टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 8.2। और ये जो एक्सरसाइज 8.2 है इसके कुछ बेसिक्स हैं, सबसे पहले उन बेसिक्स को समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज में हम करने क्या वाले हैं पहले मैं आपको बता दूँ। हम लोग नए टाइम प्लस माइनस, डिविजन और मल्टीप्लीकेशन, बराबर। पर ये 9th का प्लस माइनस है, ये किसका प्लस माइनस है, 9th का। तो देखते हैं कितना मजा आएगा इसमें कि 9th में ये प्लस माइनस कैसा है। तो उसके लिए हमें एक टेबल जानना पड़ेगा, एक रेफरेंस टेबल है, उस टेबल के बारे में जानना है। तो उस रेफरेंस टेबल में हालांकि आपको तो ऑल 6 रेशियो का टेबल है, लेकिन 9th में आपको सिर्फ 3 रेशियो के बारे में बताया गया है और उसके टेबल के वैल्यू के बारे में बताया गया है, ओके। तो हम भी वहीं तक करेंगे, विल टॉक अबाउट ओनली 3 रेशियोज, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग sin के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे cos के बारे में, और फिर बात करेंगे हम tan के बारे में, ठीक है बच्चों, ओके। अब यहां पर ये टीटा है, तो एक बार टीटा 0 का वैल्यू देख लेंगे कि साइन का 0 क्या होता है। फिर टीटा जब 30 डिग्री हो, जब साइन 30 डिग्री है तो वो साइन का वैल्यू क्या है, फिर 45 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, फिर 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, और फिर 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है। तो हम लोग ये जो हमारे रेशियोज हैं साइन कॉस और टैन, इनके वैल्यूज फाइन करने वाले इन पर्टिकुलर 5 एंगल्स पर। तो कुछ समझे क्या करें हम लोग, तो ये पर्टिकुलर 5 एंगल्स पर हम इनका वैल्यूज फाइन कर रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, साइन ऑफ जीरो ये 0 होता है बच्चों, ठीक है। साइन ऑफ 30 जो है वो हाफ होता है, अरे सुन में, साइन ऑफ 45 होता है 1/√2, साइन ऑफ 45 होता है 1/√2, साइन ऑफ 60 होता है √3/2, साइन ऑफ 90 होता है 1, साइन ऑफ 90 क्या होता है 1, समझ में आया। अब ये आया कैसे, तो चलते हैं ट्रायंगल्स के पास। हमारे ट्रायंगल चैप्टर में एक था 30, 60, 90 ट्रायंगल का थ्योरम, ठीक है। एक थ्योरम था जो 30, 60, 90 डिग्री का जो ट्रायंगल होता है ना उसका एक थ्योरम था। उसके अंदर एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है
तो ऐसा मान लिया जाए कि ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, ए 30 डिग्री है और सी जो है वो 60 डिग्री है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूँ। तो क्या ये 30 60 90 ट्रायंगल हो गया? तभी तो हम कहेंगे ना ये जो ट्रायंगल है वो 30 60 और 90 ट्रायंगल्स है, करेक्ट है बच्चों? ओके, ऑलराइट। देन साइड ऑपोजिट 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। जो साइड 30 के सामने होता है, जो साइड 30 डिग्री के ऑपोजिट होता है, वो हाइपोटेन्यूस से क्या होता है? आधा होता है। समझ में आ रहा है? समझो बात को। और जो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री, जो 60 डिग्री के सामने साइड होता है, वो हाइपोटेन्यूस का रूट 3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये ऑफ को मैं मल्टीप्लाई से भी डिनोट कर सकता हूँ। समझ में आई ये बात? तो ये हमने 30 60 90 थ्योरम में पढ़ा था, ये बात 30 60 90 थ्योरम में ये बात पढ़ा था हमने, ठीक है बच्चों? ओके, तो यहां पर हम क्या करें? अगर हमारे हाइपोटेन्यूस को हम कुछ वैल्यू अज्यूम कर ले, क्या अज्यूम कर ले? एक्स। क्या हमारा हाइपोटेन्यूस? एक्स है, ठीक है? अगर हमने हमारे हाइपोटेन्यूस का वैल्यू एक्स अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम कर लिया? एक्स अज्यूम कर लिया, तो द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, बच्चों द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। बच्चों ये ट्रायंगल के अंदर वो कौन सा साइड है जो 30 के ऑपोजिट है? BC is the side which is opposite 30 degree. 30 के सामने साइड BC है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई कि BC बराबर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, BC is opposite to 30. BC BC का ऑपोजिट कैसे होगा? ठीक है, फिर तो ज्यादा कुछ हो जाएगा ना, वो और दिख चल जाएगा MC BC, ठीक है? तो जो साइड विच इज ऑपोजिट टू BC, सॉरी 30, द साइड विच इज ऑपोजिट टू 30 इज BC। तो यहां पर साइड ऑपोजिट टू 30 की जगह क्या आ गया? BC। इक्वल टू की जगह क्या आ गया? इक्वल टू। हाफ की जगह क्या आ गया? हाइपोटेन्यूस को आपने क्या अज्यूम किया है बच्चों? x, तो ये x आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? x अपॉन 2, 1 into x, x और नीचे 2 है, तो x by 2, कौन है? BC, BC कितना है? x अपॉन 2, समझ में आया? अब ये वाला पॉइंट पे आ जाओ, साइड ऑपोजिट 60 डिग्री, साइड ऑपोजिट 60 डिग्री, 60 के सामने साइड कौन सा है? AB, तो उसकी जगह आ जाएगा AB, इसके प्लेस पे आ गया AB, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, रूट 3/2 के नीचे रूट 3/2, इनटू हाइपोटेन्यूस कितना? तो ये एक्स हो गया, माने आंसर क्या हो जाएगा? रूट 3x अपॉन 2। क्रिश देखते रहते हैं क्या? अरे इधर नहीं, उधर दिख रहा है ना? शाबाश, तो ये रूट 3/2 एक्स। क्लियर हो गया चीज? पक्का? अब जो मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में कराया था, क्या कहते हमने, वो क्या नाम था उसका? ठीक है, अब ये ओशा छोटा के हिसाब से ये तो हमारा साइन है, ये सी हमारा कॉस है और ये टी हमारा टेन है, ठीक है बच्चों? तो इतना तो समझ आ गया आपको? अब ये रब कर दू क्या? ये वाला पार्ट रब कर सकता हूँ? हंड्रेड परसेंट समझा? वैसे काम जो हमको टेबल से ये कैसे ड्राइव करना है वो कोई हमको पूछने वाला नहीं एग्जाम में, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ टेबल के वैल्यू से। अब वो कैसे आ रहा है समझ में आ गया? तो ये ट्रायंगल में सब वैल्यूज कैसे आया समझा? पक्का समझ गया ना? तो ये वाला पार्ट मैं रब कर देता हूँ और यहां पर आगे का पाठ हम करते हैं। रब करूं? ओके, अब यहां से जाओ और बताओ, साइन साइन ऑफ
30 डिग्री, ये ट्रायंगल में साइन का डेफिनेशन क्या है, ऑपोजिट अपॉन, ये डेफिनेशन के लिए, ये डेफिनेशन याद करने के लिए, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड, दिस इज टू मेमोराइज द डेफिनेशन। तो अब इसमें आ जाओ, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, तो 30 का ऑपोजिट को, साइन का डेफिनेशन क्या है, ऑपोजिट अपॉन, तो 30 का ऑपोजिट कौन है, ये लिख दो तुम लोग बीसी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, नहीं समझ में आ रहा है, समझा? तो ये लास्ट एक्सरसाइज में जो किया था उसका सिर्फ इतना ही काम है कि साइन क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल में साइन क्या होगा, तो किसी भी ट्रायंगल में साइन क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन उस एंगल का, सबसे जरूरी क्या है, उस एंगल, कौन सा एंगल, जिस एंगल को आप कंसिडर कर रहे हो या जिस एंगल के बारे में आपको सम्स में पूछा गया है। तो यहां पर मैं किसके बारे में पूछ रहा हूं, 30 के बारे में, तो 30 का ऑपोजिट और ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, बस ये दो साइड चाहिए, वो दो साइड मिल जाएंगे तो साइन मिल जाएगा। अच्छा अब बीसी कितना है, एक्स अपॉन टू, एसी कितना है, एक्स, बराबर बच्चों, तो क्या होगा ये एक्स और एक्स, क्या बचेगा, अब हाफ बचेगा, यहां पर देखो, यहां पर देखो, जब a बाई बी हो अपॉन c बाई डी हो, a बाई बी अपॉन c बाई डी, तो हम क्या करते हैं, a बाई बी इंटू डी बाई सी, ए बाई बी ऐसी रहेगा और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका, समझ में आया क्या, तो अभी बताता हूं फिर से, देखो कैसा है, ये हमारा है x बाई टू मतलब a बाई बी, x बाई टू मतलब a बाई बी, ठीक है, x by 2 मतलब a by होल अपॉन, यहां क्या है x और नीचे जिसका कुछ नहीं उसका 1, समझ में आता है, ये कैसा हो जाएगा, x by 2 into 1 by x, x x क्या बचा, नहीं समझा, हाँ तो ध्यान से करने का, कभी भी तो क्या आएगा आंसर, साइन 30 ऐसे आया हाफ, समझ में आया, वाई वी टू साइन 30 एज हाफ, अरे यस सर, लो सब आज बच्चों, तो दैट इज वाई साइन 30 इज हाफ, रब कर दू, अब जाते हम लोग साइन 60, एक एक पहले इधर ले लेना, 45 बाद में जाएंगे, पहले यहां का काम करते हम लोग, तो साइन 60 डिग्री, साइन का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है साइन का, बस अब कौन से ट्रायंगल में जाइए, ट्रायंगल में, तो 60 का ऑपोजिट कौन है, बस बात खत्म, तो ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, वो तो कभी चेंज होता नहीं है ट्रायंगल में, व्हिचएवर साइड इज ऑपोजिट 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, तो इट इज ए सी। अब बताओ ए बी कितना, ए बी कितना, रूट थ्री अपॉन टू एक्स, एसी कितना, एक्स बाय वन, ऐसा पूरा करके लिख रहा हूं, ठीक है, पता है नहीं तो तुम लोग हो जाओगे कंफ्यूज, तो ये रूट थ्री बाय टू एक्स इंटू वन बाय एक्स, ये सीधा रहेगा ना, और ये उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये एक्स और एक्स, कितने एक्स है ये उम्र में, ये भगवान, रूट थ्री इंटू वन बोलो, टू इंटू नथिंग, नथिंग मतलब वन, अबे जिसका कोई नहीं उसका भगवान, भगवान कितने, रूट थ्री बाय वन टू, साइन 60 रूट थ्री बाय, तो ये दो वैल्यू कम करेंगे अभी, अभी ये दो वैल्यू में कोई डाउट किसी को बच्चों, ठीक है, तो इसको भी रब कर देता हूँ, ठीक है, और अब इसका भी काम खत्म, अब चलते हैं हम लोग साइन 45 के वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए। तो बच्चों एक और ट्रायंगल नाम था 45 45 90 ट्रायंगल, 45 45 110% जाके आप लोग रिवाइज करना, ट्रायंगल के जो बेसिक कंसेप्ट था उसमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी।
बराबर, तुम्हारी मेमोरी कमजोर है, पढ़ाने वाले की मेमोरी कमजोर नहीं है। क्या बोलते हैं सब बराबर ना? आगे बैठा कर कभी, ज्यादा पीछे हो गया। ठीक है तो बच्चों, ट्रायंगल एबीसी, क्या ट्रायंगल है? एबीसी एंगल 45, एंगल 45। मेन क्या है ट्रायंगल, वो तो मालूम है ना, याद है ना, ये तीनों एंगल मिलके 180 होने चाहिए। ये 90 और 45 90, 180 है ना। हाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं ले रहे, कुछ भी जो सर का मन कर रहा है वो सर ले ले रहे। 60 90 और एक 90, 180, समझ में आ रहा है? हाँ तो ये 45 45 90 ट्रायंगल के अंदर बच्चों, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बच्चों, दो साइड इक्वल। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझे बात को बच्चों, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ओके शाबाश। ठीक है तो जो डेफिनेशन है इसका, किसका? 45 का, बोलता है कि साइड ऑपोजिट 45 डिग्री इज 1/√2 इनटू हाइपोटेनियस। कोई भी साइड जो 45 के सामने होता है वो हाइपोटेनियस का कितना होता है? 1/√2 1/√2 समझ में आ रहा है? समझ में कि नहीं? जो भी साइड 45 के सामने है वो हाइपोटेनियस का कितना है? 1/√2 ये बाय डेफिनेशन। अभी इनमें दोनों ही 45 है तो कोई भी ले लो, कोई भी एक ले लो। तो यहां पर ले लो मैं साइन 45, क्या ले रहा हूं बच्चों? साइन 45। हाइपोटेनियस को मैं ए मान लेता हूं, स्मॉल ए, ये पूरा साइड कितना है? स्मॉल ए, ये मैंने कंसीडर कर लिया। तो साइड ऑपोजिट 45 इज 1/√2 इनटू हाइपोटेनियस। तो साइन 45, साइन बच्चों क्या होगा साइन 45? नहीं मल्टी, साइड ऑपोजिट 45 तो कौन सा साइड ले लूं? ए को ले लो, इसको ले लेते हैं क्योंकि ये भी 45 ये भी 45 दोनों में से कोई भी एक चलेगा, तो ये वाला ले लेते हैं। इसका ऑपोजिट कौन है? तो ये है साइड ऑपोजिट 45 बीसी। तो साइड ऑपोजिट 45 कौन आ गया? बीसी इज इक्वल टू, दूसरे वाले को ले लेते हैं ए बी। अरे ये भी 45 के सामने है, ये भी 45 के सामने है, तो बीसी विल बी इक्वल टू ए बी अब इक्वल टू 1/√2 एज इट इज इन टू हाइपोटेनियस ए। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बाय रूट टू। समझ गए बच्चों? बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बाय रूट टू। यह आया समझ में? तो ये कितना है? ए बाय रूट टू। ये कितना है? ए बाय रूट टू, करेक्ट। आप चल चलते हम लोग ये रब कर रहा हूं, ये फाइंड कर लिया हमने साइड्स को। तो अब साइन 45, साइन 45 डेफिनेशन क्या है साइन 45 का? ऑपोजिट अपॉन, तो इसका ऑपोजिट कौन है? बीसी। हाइपोटेनियस कौन है? बीसी कितना है बच्चों? ए बाय रूट टू। एसी कितना है? ए बाय वन। तो ये ए बाय रूट टू इंटू 1/a, ए बाय रूट टू इंटू इसका उल्टा हो गया ना, तो ए ए क्या हो गया? आंसर क्या आया? समझ में? तो इसके लिए जो भी साइन 45 होगा वो कितना होगा? 1/√2। साइन ऑफ 45 विल बी 1/√2। ठीक है अब चलते हैं हम लोग पता करते हैं फॉर 0 डिग्री, 0 के लिए 0 क्यों है। ठीक है ये मैं टीटा माना था, क्या माना था? टीटा। अब बात को बराबर समझो, ये ट्रायंगल में
ये ट्रायंगल के अंदर बच्चों, ये ट्रायंगल के अंदर क्या मुझे आप साइन थीटा डिफाइन करके दे सकते हो? क्या बता सकते हो साइन थीटा क्या होता है? ये ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा क्या होगा बताओ आप, डिफाइन करो। साइन थीटा क्या होता है? तो बच्चों इसमें थीटा का ऑपोजिट कौन है? ए बी। और 90 के सामने कौन है? तो ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा हो गया ए बी अपॉन बराबर, ये डेफिनेशन के हिसाब से। अब मैं ऐसा मान लूं कि ये जो मेरा थीटा है, ये थीटा बढ़ रहा है जीरो की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ। अगर ये देखो बच्चों, ये ज्यादा होगा तो ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एसी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो ये थीटा क्या होगा? ज्यादा। नहीं समझा रहे? और अगर ये एसी बीसी की तरफ बढ़ने लगे, किसकी तरफ जाने लगे? बीसी की तरफ जाने लगे तो ये एंगल क्या होने लगेगा? कम। नहीं समझा? एक पॉइंट पर अगर ये एसी बीसी को ओवरलैप कर जाए, बीसी के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो इधर एंगल कितना बचेगा? जीरो। समझ आ रहे हैं? एंगल कितना बचेगा? समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं समझ आ रहे? पक्का समझ आ रहे? अगर किसी पॉइंट पर ये बीसी की तरफ ओवरलैप कर जाए, समझा क्या? ये लाइन और ये लाइन दोनों कॉइंसाइड कर रहे हैं, एक ही लाइन बन गए, तो इधर एंगल क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर एसी बीसी की तरफ बढ़ेगा, एसी बीसी की तरफ, तो ए बी क्या होगा? ए बी बड़ा होगा या छोटा होगा? नहीं समझा? देखो और कम। समझ आ रही नहीं? तो जब एसी बीसी को ओवरलैप कर जाएगा तो ए बी कितना बचेगा? बचेगा ही नहीं। अरे बोलो यार। हाँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि जब थीटा बिकम्स लेस, व्हेन थीटा स्टार्ट बिकमिंग लेस एंड इट विल बिकम जीरो, क्या हो जाएगा? स्टार्ट हुआ? तो कि बच्चों हम लोग कहां पर थे? जब ये थीटा जीरो हो जाएगा, जब ये थीटा जीरो हो जाएगा तो ए बी भी खत्म हो गया, ए बी भी जीरो हो जाएगा। तो व्हेन थीटा बिकम जीरो, ए बी विल बिकम जीरो, ए बी विल बिकम जीरो अपॉन ए सी, ए सी जो भी हो, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? जीरो अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? जीरो। तो साइन जीरो क्या हो गया? जीरो। नहीं समझा? पक्का समझा? Yes, sir. हम लोग कुछ भी ये सब बताना नहीं है, ये सब तुम दिमाग में जाना चाहिए, तुमको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रॉपर मैथमेटिक्स टर्म से ही हुआ है, बराबर है। बाकी इसमें कुछ भी तुमको बताने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई एनीथिंग, यू डोंट हैव टू जस्टिफाई एनीथिंग आउट हियर, यू डोंट जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ऑलराइट? हाँ।